आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री ने रामलला का किया दर्शन के बाद एयरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आया बयान। उन्होंने बताया कि रामलला का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु राम के दर्शन करके असीम शांति का अनुभव मिला, बहुत अच्छा लगा। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, पूरे समाज में और पूरे विश्व के लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या में भव्य और सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। प्रतिदिन लाखों राम भक्त दर्शन पूजन करने आ रहे हैं। आस्था देखकर दिल गदगद हो जाता है और हमने भगवान से सबके लिए, देश के लिए सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का बयान यह आया कि परिवार के साथ प्रभु राम के दर्शन हुए, लंबे समय से इच्छा थी, आज आना हुआ। भारत धार्मिक आस्था वाला देश है, कोई पर्व और कोई त्यौहार जब मनाया जाता है तो हम लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद किया प्रार्थना, देश की हो, तरक्की हो, सब लोग रहे सुखी, वही शांति से सब में आपस में भाईचारा बने रहे। भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं, फल फूल की अपनी सुगंध है। अयोध्या जाकर बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करे। आज अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्योहार मनाया जाता है, हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं। और आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंध है, बहुत अच्छा लगेगा।